मूवी एक जंगल को दिखाते हुए शुरू होती है जहाँ एक घर के अंदर एक औरत अपने बेटे के साथ रहती है। लड़की का नाम सलमान है और वो अंधा है। उसके डैड उनके साथ नहीं रहते जबकि सलमान की मॉम का पूरा ध्यान उसकी ट्रेनिंग पर है, क्योंकि जंगल की जिंदगी आसान नहीं होती और सलमान तो देख भी नहीं सकता था। इसीलिए उसकी मॉम घर से बाहर निकलने से पहले उसको एक रस्सी से बांध दिया करती थी ताकि उसे घर वापस आ जाने में मुश्किल ना हो। सलमान की मॉम ने उसे शिकार करने के लिए ट्रैप्स लगाना भी सिखा दिए थे। ये लोग आज जंगल में जाती है और सलमान ट्रैप्स चेक करता है जो सारे खाने के सिवाय एक ट्रैप के, यानी आज इन्हें बहुत थोड़ा खाने को मिला था, जिसे लेकर वो घर चले जाते हैं। जब शिकार को खाने का वक्त आता है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम जंगल के कानून को जानते हो ना, जंगल हमें जो दे उसका आधा हिस्सा हमें जंगल को लुटाना होता है। इसलिए सलमान अपने शिकार के दो हिस्से करके अपनी मॉम के साथ घने जंगलों की तरफ निकल जाता है। उसके साथ बंधी रस्सी इतनी ही लंबी थी कि वो घने जंगलों के पास तो पहुंच सकता था पर उनके अंदर नहीं जा सकता था। वो दूर से ही शिकार का आधा हिस्सा जंगल में फेंक कर घर वापस आ जाती है। नेक्स्ट डे ये लोग मछलियों के शिकार पे जाते हैं पर काफी देर कोई एक भी मछली ना पकड़ पाने पर उसकी मॉम उसे कहती है कि शायद जो कीड़े हमने मछली के कांटे में लगाए हैं वो छोटे हैं। इस सुनते ही सलमान बड़े कीड़े लेने के लिए जंगल में चला जाता है। जब वो जमीन पर हाथ मार मार कर कीड़े ढूंढ रहा था तो तभी अचानक उसके हाथों में जंजीर आ जाती है, जिसे महसूस करने पर वो शॉक हो जाता है क्योंकि जंजीर से तो चीजों को बांधा जाता था। उसे सोचाती है कि आखिर यहाँ कौन कैद होगा। सलमान के इस जंजीर को हाथ लगाने से जंगल में हलचल मच गई थी, जिसे महसूस करते हुए सलमान की मॉम उसे ढूंढते हुए उस तक पहुँच कर उसे डांटने लग जाती है कि इतने दूर किसने तुम्हें आने को बोला था, पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक है। सलमान अपनी मॉम को नाराज देखकर उनसे सॉरी बोलता है और वो उसे लेकर घर चली जाती है। वो घबराई लग रही थी उनके इस बिहेवियर से हमें लगता है या फिर यहाँ कुछ तो ऐसा है जिससे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। रात में वो सलमान को एक बकरी की कहानी सुनाती है जिसे जंगल में जाना मना था और एक दिन जब वो जंगल में चली गई तो उस दिन उसकी मौत हो गई, मर गई। ये कहानी सलमान की मॉम ने खुद उसके लिए लिखी थी कि वो कभी डर कर यहाँ से जंगल में ना जाए। कहानी सुनने के बाद सलमान अपनी मॉम से मौत के बारे में सवाल करता है। जवाब में उसकी मॉम कहती है कि ये तो मैं नहीं जानती कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, हाँ पर मेरा ये मानना है कि मौत एंड नहीं होती और इसी बात पर तुम्हें भी बिलीव रखना है। ये उनकी आखिरी बातें थी। उसके बाद उसकी मॉम घर से कहीं चली गई थी। सालों गुजरे, ना वो खुद वापस आई और ना ही सलमान को उनका कुछ पता चला। उन्होंने जाते हुए टेप रिकॉर्डिंग में सलमान से माफी मांगी थी उसे छोड़ कर जाने के लिए और साथ ही जिंदगी गुजारने के 3 रूल्स भी बताए थे जिसके बगैर वो मर जाता। इन रूल्स में से पहला रूल ये था कि अगर वो कुछ भी जंगल से लेकर आएगा तो उसका आधा हिस्सा जंगल को वापस लौटाएगा। दूसरा ये कि अगर उसे कभी डर लगे या वो मुश्किल में हो तो फिर सलमान वो गाना गाए जो उसकी मॉम उसके साथ गाया करती थी। और तीसरा ये कि वो जब भी घर से निकलेगा अपनी रस्सी को नहीं छोड़ेगा। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए सलमान की जिंदगी के काफी साल गुजर गए और उसने बहुत कुछ सीख भी लिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब वो जंगल में शिकार को निकला तो शिकार के नाम पे उसे कुछ ना मिला। वो नदी में मछली पकड़ने गया तो बहुत मुश्किल से एक मछली उसके हाथ लगी और भूख ज्यादा लगने की वजह से वो सारी मछली खुद ही खा गया और उसने जंगल में कुछ नहीं दिया और उसके नतीजे में रात होने पर उसे जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। सलमान उन आवाजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, हालांकि वो ये बात जानता था कि उसने आज एक रूल तोड़ दिया है। वो सोने के लिए लेट जाता है और आधी रात गुजरने के बाद नोटिस कहता है कि आज तो उसकी बकरी ने बिल्कुल शोर नहीं किया। कुछ अजीब महसूस होने पर जब वो बाहर निकलता है तो अपनी बकरी को मरा हुआ पाता है। इन सब चीजों की परेशानी में उसे नींद भी नहीं आती। उसके पास अब खाना भी बहुत कम रह चुका था और आज जब वो दोबारा जंगल में शिकार के लिए जाता है तो हैरान कुन तौर पर उसे एक मरा हुआ हिरन मिलता है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। वो इसी चीजों का सोच रहा था कि अचानक उसे एक इंसान की आवाज सुनाई देती है जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि आज तक उसने अपने मॉम डैड के अलावा किसी तीसरे इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। ये एक हैंग नाम का शिकारी था जिसने इस हिरन का भी शिकार किया था और वो सलमान को अपने शिकार से दूर रहने का कह रहा था। वो जब सलमान को अपने शिकार से दूर करने के लिए उसके करीब आता है तो सलमान उसके ऊपर अपने चाकू से हमला कर देता है जिसकी वजह से शिकारी का हाथ जख्मी हो गया था। शिकारी बदले में उसके सर के ऊपर अपनी गन मारता है जिसकी वजह से सलमान बेहोश हो जाता है। सलमान को जब होश आता है तो हैंग उसके सामने ही बैठा हुआ और वो सलमान को खुद से घबराने से मना कर रहा था। सलमान नोटिस करता है कि वो अपने घर के करीब है। वो हैंग से पूछता है कि तुम्हें मेरा घर कैसे मिला। हैंग जवाब देता है तुम्हारी रस्सी के जरिए। हैंग सवाल करता है कि बच्चे तुम इस जंगल में अकेले रहते हो। हैंग के सवाल का सलमान को
कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे अपने आप को बच्चा कहने की वजह से गुस्सा आ गया था। फिर हैंग उसे इस बात की माफी मांगते हुए कहता है कि अगर तुम एक रात मुझे अपने घर पे रहने की इजाजत दे दो तो मैं अपने शिकार में से कुछ हिस्सा तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा। देखो रात होने वाली है और रात में जंगल में खतरा बढ़ जाएगा। सलमान को ये आदमी क्योंकि अच्छा लगा था इसीलिए उसने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी थी। हैंग खाना बनाता है और साथ ही सलमान के घर को चेक करने लगता क्योंकि वो हैरान था कि एक अंधा इंसान अकेले इस जंगल में जिंदगी कैसे गुजार रहा है। हैंग अब उससे सवाल कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है और तुम यहाँ कैसे रहते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से किसी महफूज जगह पे लेके जा सकता हूँ। जवाब में सलमान कहता है कि मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। ये कहते ही वो वहाँ रुका नहीं था बल्कि सोने के लिए जा चुका था। आधी रात गुजरती है और इन्हें जंगल से दोबारा खौफनाक आवाजें आना शुरू हो जाती है। हैंग सलमान से सवाल करता है क्या तुम जानते हो कि ये आवाज किस चीज की है। सलमान भी नहीं जानता था कि ये आवाजें कैसी है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी आवाजें नहीं सुनी थी। अब हैंग अपनी बंदूक लेके जंगल की तरफ बढ़ता है चेक करने के लिए कि आखिर ये किस चीज की आवाज है। हैंग उन्हीं घने जंगलों में गया था जहाँ पर सलमान को जाने की इजाजत नहीं थी। वहाँ पर सलमान हर रोज वहाँ पर अपने खाने का आधा हिस्सा देता था। हैंग जो किसी भी खतरनाक जानवर को अपनी बंदूक से मारने का फैसला किए हुए था वो नोटिस करता है कि जंगल में एक बहुत ही बड़ा भालू बहुत बुरी तरह मरा पड़ा है। वो हैरान था कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो भालू से भी बड़ी और ताकतवर थी जिसने भालू को मार दिया। इससे पहले कि वो कुछ चेक करने के लिए और आगे बढ़ता उसे महसूस होता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। वो भी जान बचाने के लिए भागता है और घर वापस आकर सलमान से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वो क्या चीज थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। पर इस बारे में भी सलमान को कोई आइडिया नहीं था। खैर अगले दिन हैंग को भी यहाँ से निकलना था लेकिन उसके पास एक पूरी हिरन थी। वो सलमान से कहता है कि मुझे इस हिरन को संभाल के रखना है, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह है। सलमान से ना का जवाब मिलने पर हैंग कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद एक ऐसी जगह बना लूंगा जहाँ पर वो हिरन का गोश्त संभाल कर रखा जा सके। बस इस काम के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी जिसमें एक जंजीर भी शामिल है। सलमान कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि जंजीर तुम्हें क्या मिलेगी। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच नदी के पास ये वही जंजीर थी जो सलमान को बचपन में दिखी थी। ये दोनों उस जंजीर के पास पहुँच जाते हैं। हैंग भी जंगल के दरमियान में जंजीर को देखकर हैरान था। वो भी जानना चाहता था कि आखिर इस जंजीर से किसको बांधा गया है। वो जंजीर के साथ साथ चलते चलते एक खुफिया गार तक पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो गार को अंदर से देखता एक खूंखार परिंदा उस पे नाकाम हमला करने की कोशिश करता है जिससे डर कर ये वहाँ से पीछे हो जाता है। ये लोग अपनी जरूरत जितनी जंजीर लेकर घर वापिस आ जाते हैं। हैंग देखता है कि सलमान ने हिरन के गोश्त का कुछ टुकड़ा जंगल के अंदर फेंका था। वो उससे सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सलमान कहता है कि मुझे ऐसा ही करने के लिए कहा गया है और मैं सालों से ऐसा ही करता आ रहा हूँ। हैंग को ये सारी बातें अजीब लगती हैं। उसे लगता है कि शायद सलमान की मॉम जादू वगैरह करती होगी। हैंग सलमान को समझाने की कोशिश करता है कि जिस चीज से तुम डर रहे हो शायद वो एक जानवर हो और अगर तुम जाओ और मेरी मदद करो तो हम बड़ी आसानी से उसे पकड़ कर खत्म कर सकते हैं और तुम्हारा सारा खतरा भी टल सकता है और फिर तुम्हें अपने खाने का हिस्सा किसी को भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अब मसला ये था कि सलमान की रस्सी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो जंगल के अंदर जा सके। हैंग कहता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ये लोग बातों बातों में अच्छे दोस्त चुके थे। हैंग बहुत से कपड़ों को फाड़ फाड़ कर उसकी रस्सी के साथ बांध देता है जिसकी वजह से उसकी रस्सी थोड़ी लंबी हो जाती है। ये लोग जंगल में तो चले जाते हैं लेकिन जंगल में जाने पर अचानक कोई सलमान पर हमला करके उसे पीछे की तरफ खींचने लग जाता है। हैंग उसे बचाकर घर वापस ले आता है। ये सब काफी अजीब था, सलमान इन सारी चीजों से काफी डर चुका था इसीलिए वो हैंग से कहता है कि तुम मुझे उस किताब में से कहानी पढ़ के सुनाओ जो हमेशा मेरी माँ पढ़ के मुझे सुनाया करती थी। हैंग भी जंगल में होने वाले इस वाक्य से परेशान था इसीलिए वो सलमान के सोने के पास जंगल में चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ है क्या। हैंग जंगल में उस गार तक चला गया था जिसके अंदर किसी चीज को जंजीर से बांधा गया था, जबकि दूसरी तरफ सलमान भी हैंग के यहाँ से जाने पे परेशान था। वो भी हैंग को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकलता है पर रस्सी छोटी होने की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो पा रहा था जिस वजह से वो अपनी रस्सी को खोल देता है और ऐसे उसने अपनी माँ के बताए दूसरे रूल को भी तोड़ दिया था। जंगल में आगे जाने पर उसे हैंग मरा हुआ मिलता है जो देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। वो जोर जोर से रोने लगता है और उसी दौरान दोबारा उसे वो खौफनाक आवाजें अपने बहुत करीब से सुनाई देने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ गार में जो कोई भी था वो कोई बड़ा जानवर या राक्षस नहीं था बल्कि ये तो सलमान की मोम है जिसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी है ऐसे जैसे वो किसी और चीज के कब्जे में हो। सलमान तो अपनी मोम को नहीं देख सकता था, उसे पता भी नहीं था कि ये उसकी मोम थी। वो खौफ में अब अपनी मोम का बताया गाना गाने लगता है जिससे उसकी मोम को पता चल जाता है कि वहाँ पर उसका बेटा आया है। वो जाकर अपने बेटे को जैसे ही गले लगाती है तो सलमान चाकू से उसे मार देता है।
सलमान को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि उसने अपने मॉम को मार दिया, क्योंकि वो देख नहीं सकता था और उसकी मॉम बोल नहीं पा रही थी। अपनी मॉम को मारने के बाद हम देखते हैं कि सलमान की आंखें भी उसकी मॉम जैसी हो जाती है। आखिर सलमान के साथ हुआ क्या था? उनकी पूरी फैमिली पे किसी किस्म का कर्ज था, जिसकी वजह से सलमान के डैड सबसे पहले किसी अजीब से क्रिएचर में बचे। और जब हमने मूवी के स्टार्ट में देखा कि सलमान की मॉम और सलमान अपना आधा शिकार जंगल में फेंकता है, तो शायद वो अपने डैड के लिए ही वो खाना फेंकते हो। उनके मरने के बाद ये कर्ज उसकी वाइफ यानी सलमान की मॉम पे आ गया होगा। और फिर सलमान अपनी मॉम के लिए रोज अपने शिकार का आधा हिस्सा जंगल में फेंकता रहा, ये जाने बगैर कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर जब उसकी मॉम मरी तो ये कर्ज उस पे आ गया, जिसके साथ ही कहानी खत्म हुई।